कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस दफ़ा हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए, तो डैट्स वाई इस दफ़ा कोई हमारा ट्रैवलॉग नहीं बना। बाहर रोड के साथ हमारा घर है, इस वजह से ट्रैफिक की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो जस्ट इग्नोर देम। हमने कोई ट्रैवलॉग नहीं बनाया, तो इस वजह से मैंने आज सोचा कि जो लास्ट वीक है, हमने कोई व्लॉग तो बनाया नहीं लास्ट वीक, तो लास्ट वीक में जो भी हमारे वाकयात गुजरे हैं, इम्पोर्टेंट वाकयात, तो उनके बारे में छोटी सी एक वीडियो बना लूँ। सबसे पहले वाकया तो 2 सितंबर के बारे में, क्योंकि 2 सितंबर को मेरे भाई की बर्थडे थी, उसामा भाई की। तो उसामा भाई लाहौर में है, मैं यहाँ सिद में बैठा हूँ। तो उसामा भाई को मैंने विश किया था रात के 12 बजे, उनको कॉल करके मैंने अच्छी तरह विश किया, हालचाल उनका पूछा। सेकंड इंसिडेंस ये कि यूनिवर्सिटी में हमारे इंग्लिश लिटरेचर के जो सर हैं, सर असदुल्लाह लाचारी साहब, वो उनकी स्कॉलरशिप लगी थी यूके में पीएचडी के लिए, वो जा रहे थे पीएचडी करने हमें छोड़ के। तो हमारी क्लास इंग्लिश 2K19 ने उनके लिए फेयरवेल पार्टी रखी थी, उसमें हमने कुछ गिफ्ट वगैरह दिए अपने क्लास की तरफ से, और सर ने फिर हमारी क्लास के लिए अपने कमेंट्स दिए। हमने उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे यूके में जाके भी, और उन्होंने भी हमारे फ्यूचर के लिए कुछ प्रेयर्स और कुछ दुआएं वगैरह की थी। बहुत अच्छा और इंस्पायरिंग मोमेंट था हमारे लिए यूनिवर्सिटी में। So your class is fantastic. Your class always has been fantastic, and all the teachers who have taught you, we believe that this class will be something better than the previous classes, because we want our campus, our students, our classes to excel. When you reach your second year, you should be role model for your youngsters, for your first year students. They must be seeking to you. They must come to you for your guidance, for your advice, and for learning. They should be looking up to you. That's what you have to become. And wherever I am, whenever you approach to me for any purpose, any work, I will gladly try to help you out. Though sometimes it becomes quite difficult to respond through messages and etc. It may take a while, but I will try to थर्ड इंसिडेंस था 5 सितंबर का। मेरे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं हसन भाई का बर्थडे था उस दिन। तो हसन भाई भी लाहौर में हैं, उनको भी हमने बेस्ट विशेस दी थी, कॉल करके भी उनको विश किया था, उनके लिए पिक्स वगैरह भी बनाई थी। तो हसन भाई वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, खुश रहें, आबाद रहें। फोर इंसिडेंस था हमारे यूनिवर्सिटी के बारे में, सिंध यूनिवर्सिटी ठट्टा कैंपस। 2013 में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ठट्टा में एक सिंध यूनिवर्सिटी के कैंपस बनाया था, लेकिन उसको बिल्डिंग नहीं दी थी अपनी, उसको ठट्टा का जो कॉलेज था, डिग्री कॉलेज, उसके अंदर ही एडजस्ट किया था हमारे सिंध यूनिवर्सिटी के कैंपस को। तो अभी निसार खोड़ो साहब एक मिनिस्टर हैं सिंध के एक मिनिस्टर हैं पीपी के, तो वो आए थे हमारे ठट्टा में। एक जो सहाफ़ी था, उसने इस बारे में उनसे क्वेश्चन किया कि तकरीबन 7 साल होने वाले हैं सिंध यूनिवर्सिटी ठट्टा कैंपस को अपनी बिल्डिंग नहीं दी अभी तक, तो इस बारे में क्या राय है आपकी? तो इस बारे में निसार खोड़ो साहिब ने कहा कि चल तो रही है ना आपकी कैंपस, कोई मसला नहीं। तो दोबारा सहाफ़ी ने इससे सवाल किया कि 3 से 4 तो कमरे हैं सिर्फ कॉलेज के अंदर जो हमें मिले हैं, और उसके अंदर भी 600 स्टूडेंट्स एडजस्ट नहीं हो सकते। तो उन्होंने दोबारा अपनी मिसालें देनी शुरू कर दी कि हमने भी तो
लालटेनों में पढ़ा है, हमारे दौर में भी लालटेन होते थे, आप भी लालटेनों में पढ़े, इस तरह की उन्होंने बातें की। तो हमारे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे बहुत मायूस हुए उनके इस जवाब से। तो हमने फिर प्रोटेस्ट किया, मतलब एहतजाज किया हमने, पूरा मन एहतजाज, बाजू पर काली पट्टियां बांधकर। तो इस हवाले से वीडियो देखें ज़रा। हमारे साथ चलो, जब तक जोड़ों के हाथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, हम तलवार बताने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम कैंपस बनाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम इंकलाब 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 इंकलाब। हमारे एक दो एहतजाज एक दो दिनों बाद जो मिनिस्टर थे उन्होंने चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब को एप्लीकेशन दी, उसमें हमारे यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन की अलॉटमेंट के बारे में कहा गया था। तो वो अभी इस मरहले में तो उन्होंने एप्लीकेशन मंजूर की है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी ये हदायत जारी की है कि जितनी जल्दी हो सके हमें ज़मीन की अलॉटमेंट की जा सके। देखिए अभी कितनी देर में हमें मिलती है ज़मीन, मिलने के बाद कब उसमें बिल्डिंग बनती है, कब वहाँ पे शिफ्टिंग होती है, अभी बहुत लंबा अरसा पड़ा हुआ है। इसके अलावा गर्मी का मौसम है, बारिशें भी हुई थी कुछ दिन, लेकिन घूट जो होता है ना वो वैसे बहुत ज़्यादा है, गर्मी से भी पसीने आ रहे हैं देखें। अगर और इंसिडेंट्स की बात की जाए तो अभी 6 सितंबर गुजरा है डिफेंस डे, पाकिस्तान डिफेंस डे के हवाले से, लेकिन मेरी रूटीन हुई थी यूनिवर्सिटी ओपन थे तो यूनिवर्सिटी में गए, क्लासेस वगैरह ली, वही सेम टू सेम। और आज के छोटे से व्लॉग के लिए बस यही कुछ कंटेंट मुझे मिला था, तो डेट्स आए, आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।